नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि भारत एविएशन प्लेन क्यों नहीं बनाता है, यानी ऐसे प्लेन्स जो कि यात्रियों को लेकर उड़ान भरता है, इस तरह के प्लेन भारत क्यों नहीं बनाता है। या आपके मन में भी कई बार सवाल आया होगा कि आप भारत बना नहीं सकता है, या फिर भारत के पास ऐसी क्षमता नहीं है, या फिर कोई अन्य वजह है जिसकी वजह से भारत में एविएशन प्लेन नहीं बनते हैं। तो इसके पीछे की दो राज हैं, आज मैं बताऊंगा उन राज के बारे में। तो बात करते हैं क्या है वो दो राज। दरअसल दुनिया की सबसे पहली कंपनी बोइंग, जिसने एविएशन के क्षेत्र में अपना पैर रखा और 1918 में इसने अपना प्रोडक्शन शुरू किया। दरअसल इसने देखते ही देखते इतनी अधिक मात्रा में प्लेन बनाने शुरू कर दिए जो कि यूएस गवर्नमेंट के लिए काफी सहायक सिद्ध हुई। और इस कंपनी द्वारा बनाए जा रहे प्लेन्स अमेरिका के द्वारा काफी ज्यादा इस्तेमाल किए गए, क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसमें अधिक मात्रा में प्लेन्स की रिक्वायरमेंट महसूस हुई, और न सिर्फ एविएशन बल्कि फाइटर प्लेन्स की भी रिक्वायरमेंट महसूस की गई। और साथ ही साथ वहाँ की जो कंपनी थी उस कंपनी को अमेरिकन गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्ट किया, और जिसकी वजह से वो कंपनी काफ़ी तेज़ी से ग्रो करती चली गई। तो आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि एक तरीके से इस कंपनी को आगे प्रमोट करने के लिए अमेरिकी सरकार का ही हाथ था। और दूसरी कंपनी है एयरबस, जिसे यूरोप ने बनाया गया। दरअसल जो बोइंग कंपनी अमेरिका में इस तरह के प्रोडक्ट्स बना रही थी, तो दुनिया में महसूस किया जा रहा था कि कोई और ऐसी कंपनी नहीं है जो एविएशन के क्षेत्र में, यानी कि प्लेन्स बनाने के क्षेत्र में काम कर सके। तब यूरोप के कुछ ऐसे देश जिनके पास टेक्नोलॉजी तो थी लेकिन इनका जो सेक्टर था काफ़ी छोटा था, ये अकेले इस पर काम नहीं कर सकते थे क्योंकि इसमें जो लागत आती है वो बहुत बड़ी मात्रा में आती है। इसीलिए जर्मनी, फ्रांस, यूके जैसे देशों ने मिलकर के एक ऐसे ग्रुप का निर्माण किया जिसने एयरबस जैसी कंपनी का रूप ले लिया। अमेरिका और यूरोप के देशों ने मिलकर के इस तरीके के प्रोडक्ट का निर्माण करना शुरू कर दिया। अगर देखा जाए तो जो बोइंग है और एयरबस है, इन दोनों ही कंपनियों को वहां की सरकारों का काफी संरक्षण मिला हुआ है। साथ ही साथ ये जो प्राइवेट कंपनी अपना काम करती हैं, इसमें सरकार का काफी अधिक मात्रा में रिसोर्सेस लगा हुआ है। तो इसलिए जो भी फैसले लिए जाते हैं या जो भी एविएशन के क्षेत्र में कानून बनते हैं, यानी रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं, उन सभी में बोइंग और एयरबस के द्वारा काफी ज्यादा इंटरवेंशन होता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि सेफ्टी रूल से संबंधित जो भी गाइडलाइंस होती है उसमें बोइंग और एयरबस की सबसे ज्यादा बातें मानी जाती हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारा इंडिया है, उसने 1980 से ही लगभग इस क्षेत्र में पैर रखना शुरू कर दिया था, लेकिन भारत ने एविएशन के क्षेत्र में नहीं बल्कि उसने फाइटर प्लेन्स बनाने जैसे चीज़ों पर काम करना शुरू कर दिया था। फिर भी बात यह होती है कि अगर भारत ने 1980 से प्लेन्स के क्षेत्र में काम करना शुरू किया तो उसने कभी यात्री विमान बनाने की कोशिश क्यों नहीं किया। तो उसके पीछे की जो वजह है, इसमें जो लागत है वो काफ़ी ज़्यादा आती है, और इतनी ज़्यादा लागत आती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, लगभग 30 से 35 बिलियन डॉलर। और इसके लिए कोई भी एक देश या कोई भी एक कंपनी अकेले इस काम को नहीं कर सकती है। ऐसा नहीं है कि भारत में रिसोर्सेज की कमी है या फिर टेक्नोलॉजी या इंजीनियर्स की कमी है। भारत में अधिक मात्रा में हमारे पास रिसोर्सेज हैं, इंजीनियर्स हैं, डिजाइन करने वाले एक से एक एक्सपर्ट हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी बात करते हैं कुछ ऐसी कंपनी के बारे में जिन्होंने बोइंग और एयरबस के अलावा भी इस तरह के विमान बनाने की कोशिश किया। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर मैं देता हूँ आपको, बॉम्बार्डियर। बॉम्बार्डियर ने छोटे प्लेन्स बनाना शुरू कर दिया, और इस छोटे प्लेन्स को देखते ही देखते इसकी काफ़ी अधिक मात्रा में डिमांड बढ़ने लगी। ये देख करके बोइंग और एयरबस दोनों ही चिंतित हो गए कि जो बॉम्बार्डियर है इसके द्वारा बनाए जा रहे छोटे प्लेन काफ़ी सस्ते हैं, और अधिक मात्रा में बॉम्बार्डियर को ऑर्डर मिलने शुरू हो गए थे। और ऐसा देख करके बोइंग और एयरबस के होश उड़ गए थे कि अगर ऐसा हुआ तो फिर एविएशन के क्षेत्र में ऐसी नई कंपनी आएंगी और धीरे धीरे छोटी छोटी कंपनियों का दबदबा बनता चला जाएगा और हमारे हाथ से जो बड़ी डील है वो निकल जाएगी। इसके बाद बोइंग कंपनी ने अमेरिका की गवर्नमेंट से मिलकर के बात किया, और इस बॉम्बार्डियर प्लेन को रोकने के लिए उसने एक नई गाइडलाइंस बनाया। और गाइडलाइंस ये थी कि जो इनके विमान थे उसका इम्पोर्ट टैक्स इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया था कि जो बाकी देश खरीदते उसको लगभग 3 गुना दाम देने पड़ जाते। इसी वजह से इम्पोर्ट टैक्स बढ़ने की वजह से जो ऑर्डर मिले थे इसको, लोगों ने इसके ऑर्डर को कैंसिल करना शुरू कर दिया, और फिर देखते देखते बॉम्बार्डियर का जो मार्केट था वो नीचे गिरने लगा। और फिर बाद में एयरबस ने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया, और एक्वायर करने के बाद में इसे इसने अपनी कंपनी में नया नाम दे दिया, एयरबस में इसको मिला लिया। लेकिन फिर भी उसके जो प्लेन्स हैं वो दुनिया में नहीं बिक पाए, क्योंकि जो इनकी सेफ्टी रेगुलेशंस है, जो यूरोपियन यूनियन के सेफ्टी रूल्स हैं, उसके द्वारा ये इन विमानों के लिए इतने सख्त कानून बना दिए गए कि जो इसको पूरा नहीं कर पाए।
कहने का तात्पर्य यह है कि जो दुनिया के जितने भी देश हैं वो एविएशन के क्षेत्र में इन्हीं दो देशों की बनाए गए सेफ्टी गाइडलाइंस को मानते हैं, क्योंकि दुनिया भर में जो विमान चलते हैं वो इन्हीं दो कंपनियों के ही चलते हैं। तो जितने भी देश हैं सारे के सारे इन्हीं यूरोपियन यूनियन के जो बनाए गए रूल या एक्ट हैं उसको फॉलो करते हैं। तो इस एक्ट के तहत अगर कोई भी देश विमान बनाना चाहता है तो उसको ये कैंसिल कर देते हैं, और जिसकी कैंसिल होने की वजह से बाकी दुनिया के जितने भी देश हैं उस चीज़ को लेने से इनकार कर देते हैं। यानी कि आप अगर महंगा इन्वेस्टमेंट कर भी दें तो उस इन्वेस्टमेंट करने के बाद में आपके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए जाएंगे बोइंग और एयरबस के द्वारा वो इतने सख्त होंगे कि बाकी दुनिया के जब देश उसको खरीदेंगे ही नहीं तो आप उसको बना करके क्या करेंगे। और इसी तरीके से जब चाइना ने कुछ विमान बनाया तो विमान उसने सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए ही खरीदा, बाकी वो विमान दुनिया के किसी और देश में नहीं बिक पाए, और इसी तरह से बोइंग और एयरबस का फिर से दबदबा बन गया। अब बात करते हैं कि भारत में जो रिसोर्सेस हैं वो काफ़ी मात्रा में है, तो भारत ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? तो भारत इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने कहा कि आप इसे बनाने के लिए बहुत अधिक पैसे की आवश्यकता है, और अगर भारत में इस काम को किया जाए तो जिस तरीके से एयरबस और बोइंग ने काम किया, वहाँ की सरकार के साथ मिलकर के काम किया और इस प्रोडक्ट को यानी कि वायुयान को बनाने का काम शुरू किया, तो भारत में भी इसी तरह के सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ना तो कोई अकेले प्राइवेट कंपनीज को कर सकती है और ना ही गवर्नमेंट कर सकती है, क्योंकि इसके लिए पैसा और टेक्नोलॉजी दोनों की रिक्वायरमेंट होगी और साथ साथ मैन पावर की। तो कुल मिलाकर के जो फैक्टर है इसको बनाने के लिए मैन पावर, पैसा और टेक्नोलॉजी, इन सभी चीज़ों को मिलाकर के इसको बनाया जा सकता है। लेकिन भारत में कोई भी सरकार ऐसा नहीं करना चाहेगी। क्यों नहीं करना चाहेगी? क्योंकि यहाँ पर जो भारत का व्यापारिक सिस्टम है, यदि गवर्नमेंट कोई भी काम करना चाहेगी किसी प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर के, तो वो उसको खुद को बदनाम होना पड़ेगा, उसके ऊपर इस तरह के आरोप लगा दिए जाएंगे कि वो सरकार उस प्राइवेट कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा कर रही है, और उसके खिलाफ इस तरह का माहौल बना दिया जाएगा कि उसको अगली बार सत्ता में आने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि वो बदनाम हो और सत्ता से बाहर हो, क्योंकि हमारे यहाँ जो व्यापार का सिस्टम है वो अमेरिका और यूरोप कंपनी से अलग है। यहाँ पर जो विपक्ष की पार्टी है वो दुष्प्रचार करने में लग जाती है, जिसका शिकार उसकी जो सपोर्टर होते हैं बड़े आसानी से हो जाते हैं, और कई बार देश के आम इंसान जो राजनीति को नहीं समझ पाते हैं वो भी हो जाते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर भारत इस तरह के विमान बना भी लेता है, शॉर्ट फ्लाइंग के लिए एरोप्लेन्स बनाने की जरूरत पड़ेगी। साथ साथ जो छोटे देश हैं जहां पर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए फ्लाइट बुक होती है वहां पर उसको सेल कर सकता है, लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं है। भारत के पास सब कुछ है, टेक्नोलॉजी भी है, मैन पावर भी है, पैसा भी है, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट का ज्वाइंट ऑपरेशन है। यहाँ पर अगर इसको बनाया जाएगा तो यहाँ पर कुछ इस तरह के एलिमेंट भी हैं जो सरकार को गिराने के लिए अलग अलग तरह के दुष्प्रचार और एजेंडा को चालू करना शुरू कर देंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि भारत में एरोप्लेन का निर्माण क्यों नहीं होता है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप वीडियो कर दीजिए शेयर और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।